आज कितनी हालत खराब हो चुकी है फिलहाल बाइकों की। बहुत भाई हमारा बंदा पस चुका है, खतरनाक हमारा बंदा। रुक रहे, रुक जा, रुक जा, साइकिल लगा दे। मैं नहीं निकालू, मैं तो बाद में निकालूंगा, तू निकाल। गाइस अपनी स्प्लेंडर 2021 मॉडल यहाँ पर फंस चुकी है और भाई ने बर्फ़ के होते निकला था तो स्लीपिंग में फंस चुकी है और गिरते गिरते शायद बचा होगा या गिर गया होगा पता नहीं। कदम कितना खड्डा है, ज़्यादा तो नहीं है ना। आप बाहर निकालो, बाहर निकालो। हाँ स्टैंड ऊँची करो, स्टैंड ऊँची करो। ठीक है छोड़ो, मुझे दे बाइक, छोड़ बाइक छोड़। टंगला ना कुछ पहाड़ है, वहाँ पर पहुँच चुका हूँ फिलहाल। इसकी ऊंचाई दोस्तों 17,482 फीट पर है अभी हमें, और टंगला ये देख सकते हो टंगला ना पहाड़ है। और यहाँ हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे दोस्तों। फिलहाल हम आ गए थे नाइट में लेह में, और लेह में हमने वापस रूम लिया था, आपको पता होगा। तो फिलहाल अब निकले मनाली के लिए, और मनाली आज हमारे को पहुंचने का टारगेट है। ये देखते हैं मनाली से पहले कहीं देखेंगे कितना किलोमीटर सफर हो पाता है कंप्लीट, देखते हैं। और फिलहाल नहा धो के कंप्लीट है, और अपना सामान पैकिंग वैकिंग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है फिलहाल, देखिए। और अभी का टाइम हो रहा है दोस्तों फिलहाल 7 बजने वाले, और हम निकलने वाले हैं 7 बजे फिक्स, क्योंकि यार थोड़ा सफ़र भी लंबा है और हमारे को थोड़ा काम भी है, और अभी ये भी फिलहाल निकलते हैं और आपको आगे मिलते हैं। निकल चुके हैं फिलहाल, लो जी गाइस फिलहाल हम निकल चुके हैं लेह सिटी से, और फाइनली हम निकल चुके हैं मनाली के लिए भाई साहब। तो आज हमारा मनाली का टारगेट रहेगा, मनाली में बीच में जो भी 2-3 पास आएंगे वहां पे कवर करेंगे। और फिलहाल लेह को बाय बोलने का टाइम आ चुका है भाई साहब। लेह सिटी बहुत अच्छी लगी मेरे को, बहुत अच्छी लगी, सुपर। हाँ जी भैया जी, अपना एक बंदा पीछे रह चुका है, और काफ़ी समय के बाद में हमने काफ़ी सफ़र कंप्लीट कर दिया 23 से 35, और अभी तक बंदा दिखाई नहीं था। हम दोनों भाई ने किया थोड़ा सा रेस्ट, इज होल्ड बैक टू इज बाइकर, बाइकर का वेट करते फिर वो आने पर निकलेंगे जी। अपने भाई का बर्थडे है और आज टोपी खाने का कुछ मूड हो रहा था, तो फिलहाल टोपी चेक करते हैं। और अपना भाई भी आ चुका है, ज़्यादा नहीं लगा, बस 2 मिनट होल्ड किया। हाँ जी गाइस, तो फिलहाल हम निकले थे लेह से और मनाली के लिए, तो मनाली पहुँचने थे उसी में एक रास्ता बंद हो चुका मनाली वाला, उधर से आ ही सकते जा नहीं सकते, तो फिलहाल हमने उसमें कुछ ब्रेकफास्ट करने की सोचा है। तो फिलहाल अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, देख सकते हो चाय और आलू के पराठे। तो फिलहाल एक लोचा और हो चुका, आप देखते हैं कितने देर में आगे जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाने, देखें कन्फ्यूजन हो रही है यार काफ़ी देर, देखते हैं जितना चल सके उतना चलते वहाँ पर टेंट लगा के रह जाएंगे, आज नहीं तो कल तो निकल जाएंगे आगे। ओके गाइस, ब्रेकफास्ट करते हैं। फाइनली गाइज हम निकल चुके हैं, अपना खाना पाना भी हो चुका है, और फिलहाल निकल तो रहे हैं, लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली, हो सकता है कि आगे रास्ता बंद हो, अगर बर्फबारी हो रखी होगी तो भाई साहब रास्ता बंद होना फाइनल है। और देखते हैं, आज सरचुत पहुंचने का प्रोग्राम है, बाकी सरचुत रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन कोशिश जारी है भाई साहब, देखते हैं कितनी सफलता मिल पाती है। वैसे अपने पास तो पूरा सामान है, कहीं ऑफ रोडिंग कोई प्रॉब्लम भी आएगी ना तो हम टेंट लगा के रुक जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं दोस्तों। और खाना पाना कंप्लीट है, अब कोई टेंशन नहीं, बस बाय, आगे मिलते हैं।
फाइनली गाइज हम पहुंचने वाले तंगलाना पास, और तंगलाना पास की भाई साहब चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ही है, लगभग 17-18 हज़ार की ऊंचाई पर है। और देख सकते हो आप, हम लह से निकले थे और काफ़ी वक्त हो चुका है हमारे को चलते चलते, बाकी चढ़ाई आ रही है, वापस नीचे की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर आ रहे हैं, ऐसे ऐसी बाइक चल रही है। बाकी रोड अच्छी है, इससे कुछ नुकसान नहीं, बस थोड़ा सा अपने आप को सही समझ पा रहे, मानो खर्चों में समझ पा रहे। सिंगल बंदा आता तो आ भी सकता था, डबल बंदे नहीं आने दिक्कत होती है ना, सिंगल बंदा होता ना आ जाता है। यार तो डबल आ गए थे, गाड़ी कौन सी सी आपकी, गाड़ी कौन सी सी, 450 है, 450 नहीं है ना, वो एक्सपायर होगी शायद, 450 है पर वो चलाने में आ जाके तू जाके हमें दूसरा निकाल, आपको ही निकालना पड़ेगा, उनसे नहीं निकलेगी। भैया जी देख सकते हो फिलहाल कितनी स्नोफॉल हो चुकी है भाई साहब, रात को बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी है यहाँ पर, और ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है यार, मानो कि ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगी है यार, सच में रियल में। ये देखो जमी से निकल गया, रात को ही हुई है, रात को ही हुई थी दोस्तों स्नोफॉल, देखो कितनी ठंड है यार। बस हम जा रहे थे सब्जी की ओर, सब्जी से आकर मनाली, मनाली से पहले कितना टॉप आया कुछ उसका नाम ना, तो थोड़ा सा अजीब ही हमने लिए आपको बता दूंगा आगे जाके। लोग आज यहाँ फोटो शोटो फोटो करवा चुके हैं और यहाँ चलने लगे, अपनी सांस सांस आने चलने लगी, हम निकल रहे हैं उजला ड्रॉप की तरफ, और सोचो मनाली की ओर। ये देखो जी यहाँ से स्नोफॉल हटाई जा रही है रोड से जैसे की द्वारा, और देख सकते हो ऐसा ऐसा कुछ रास्ता है, ऐसे जैसे जैसे स्नोफॉल हटाई जाती है ऐसे बर्फ को ना निकाला जाता है। यहाँ पर ऑफ रोडिंग है जी और गिरने का बहुत ज़्यादा चांस है, और बाइक भी नहीं चढ़ पा रही है कि स्नोफॉल हो चुका ना, तो थोड़ा यहाँ पर जो ब्लैक आइस है वो फैल जाती है, और देख सकते हो ऐसे बर्फ़ पिघलने लग जाती है, और ये रास्ता कुछ अजीब ही लग रहा है। देखते हैं अपने दार्जिला पास कर चुके हैं, मुंगला कर चुके हैं, मुंगला कर चुके हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते, देखिए कितनी स्नोफॉल हुई रात को, इसलिए बंद बताया जा रहा था वैसा मनाली वाला रास्ता। देख सकते हैं ये कोई जी बर्फों में हमारी हालत ऐसी होती है, ऐसे ऐसे हमारे को कीचड़ों में से गाय को निकालना पड़ता है। देख सकते हो अगर थोड़ी सी
कि हमारी थोड़ी सी गलती हो, गलती होगी ना तो हम स्लिप हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश जारी है, हम धीरे धीरे अपना सफ़र कंप्लीट करने के लिए रहते हैं तैयार, क्योंकि हमारे को जल्दी नहीं भाई साहब, क्योंकि कीचड़ को हमें देखते हुए हमारी हालत ख़राब हो सकती है, इसलिए हम आराम से स्लो मोशन में बाइक निकालेंगे, प्लान बना रखा है, धीरे धीरे निकाल भी लेंगे, क्योंकि पानी तो थोड़ा मान गया लेकिन कीचड़ में बाइक गिरने से थोड़ा सा लोचा हो सकता है। ये देखिए, और यहाँ स्लिप होने में 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं, बस हम ब्रेक को यूज़ नहीं करते हैं, बस निकल जाते हैं। नीचे खाई की देर देखना भी नहीं चाहिए, अगर आप जब कीचड़ में से बाइक को निकालते हो ऑफ रोड में से, तो आपको हमेशा कीचड़ में नहीं निकालना चाहिए, थोड़ा सा निकल जाते निकाल देता मैं भी। ये देखो जी, ये जी मनाली हाईवे, यह टू ले मनाली टू ले हाईवे है, ये जो आप देख रहे हो कंडीशन कैसी है देख सकते हो, और फिर नीचे रखने पर स्लिप होने लगे मेरे, बस हैंडल को टाइट रखो और धीरे धीरे अपना सफ़र बनाते रहो, और कहीं गिरने का मौका लगे तो पैर रखो सर। देखो हालत ख़राब है सब, हालत ख़राब है, इतना गंदा रास्ता तो मेरे को कहीं नहीं मिला। बस ऐसे रास्तों से हम थोड़े से दूर रहना चाहते हैं, बस ऐसी ऑपरेटिंग नहीं चाहिए ऐसा हमारे लिए, क्योंकि ये जो स्नोफॉल है ना ये थोड़ा नुकसान देता है हमारे लिए, और ये डिले का इसके सकते हो, इसमें तो हमारे को गिनने का फाइनल सक्सेस मिल रहता ही है। ऐसे कुछ रास्तों से हम गुजरते भाई साहब, देख लीजिए भाई भाई जैसे निकल रहा, मैं इधर से निकल जाता हूँ, ब्लैक आइस जिसे लोग हमारे राजस्थान में कीचड़ के नाम से जाने जाते हैं, और यहाँ ब्लैक आइस के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर सामान दो एक ही में निकल गया, फिर मैं निकलूँगा, देख लेते हैं कितनी गिराई है ऐसा, गिरे तो ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा माय गॉड 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 इतना गिरा है मेरे को पता ही नहीं था सब, ये तो बहुत गहरे हो चुके हैं, इतने गहरे भी नहीं होने चाहिए भाई साहब, इनको हमारे बीआरओ को मैं बोलना चाहता हूँ कि इनको संभालो यार भाई, आपने सब संभाल देखिए, इन रोडों को संभाल दो बस थोड़ा सा, और जो ये अच्छी बन जाए, और ऐसा ऑफ रोड आता है दोस्तों तो ऊपर से नीचे तक पूरी फट जाती है, इन चीज़ों का विश्वास नहीं होता, ये कभी भी गिरा सकते हो, कभी भी गिरा सकते हो। भाई हमारा बंदा फंस चुका है, खतरनाक हमारा बंदा, रुक जा रुक जा रुक जा, साइकिल लगा दे, मैं नहीं निकालूंगा, मैं तो बाद में निकालूंगा, तू निकाल पड़ेगी अपनी स्प्लेंडर 2021 मॉडल यहाँ पर फंस चुकी है, और भाई ने बर्फ़ के होते निकला था तो स्लिपिंग में फंस चुकी है, और गिरते गिरते शायद बचा होगा या गिर गया होगा पता नहीं, उधर खाई में गिर जाता इसलिए उसने सोचा कि तो से निकल जाए। ये देख लीजिए भाई फंस तो चुका है भाई, और देखते हो पूरा हाईवे जाम है, देख सकते हो पूरा ना रोड जाम है, अभी भी जाम हो चुका है, और मेरे को भी जाना पड़ेगा वहाँ पर उसको निकालने के लिए। देखिए कदम कितना खड्डा है, ज़्यादा तो नहीं है ना, आप बाहर निकालो बाहर निकालो, हाँ स्टैंड ऊँची करो, स्टैंड ऊँची करो,
ठीक है छोड़ो, मुझे दे बाइक छोड़, बाइक निकल चुकी है फिलहाल और बस गई थी अपनी बाइक। मेरे वाले लेके आ, हाँ तू निकला, तू लिया मेरे तो फट जाएगी भाई। छोटे जाना मैं दे दो, वीडियो में बना लूंगा। नहीं निकली, गिर जाएगी भाई। ये दूसरी वाली स्प्लेंडर, मेरी वाली फर्स्ट रुकी थी, बर्मिस भाई लेके आ रहे हैं। देख सकते भाई कुछ बाइक ऐसे फंसी है और निकल चुके। ये लो जी अब अपना भाई बाइक लेके आ रहा है और अब हमारी अपाची निकल रही है बर्फ में से और सांस भी फूल रही है और थोड़ी लोडिंग गाड़ी थी ना इस कारण बस थोड़ा सा लाइट अच्छा है। पानी वाले रास्ते से लेना पड़ता है और यहाँ ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है लग रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम है और हमें तीनों बाइक आ चुकी है। फिलहाल आगे जाके भी अपने को रुकना ही पड़ेगा ऐसा। ऊपर की ओर कितनी भीड़ हो चुकी है और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने सफ़र की ओर। वैसे तो ऑफ बता रखा फिर भी हम लोग लेके आगे जा, क्या करें रुक नहीं सकते थे ना, अब जा रुकेंगे वही रुक जाएंगे, टेंट लगा के सो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। खाना पीना सब है, पानी गर्म करके निकाल लेंगे सुनो का। और ये है जी खड्डे, ये लेगा इसका जो पानी आ रहा ना, ये है जी सबसे ज़्यादा दिक्कत। देख सकते हो ये हालत है मनाली हाईवे की भाई साहब, जहाँ कोई आना नहीं चाहता लेकिन फिर ही क्या है, ये मनाली हाईवे ऐसा है भाई साहब। बस दवा की गाड़ी चलाओ, अगर स्लिप हो गई ना तो ऐसा दे। साइड में नहीं जा सकते ना क्योंकि गिरने का डर रहता है। लोची फाइल फिलहाल हम ऊपर पहुंच चुके हैं, ऊपर रास्ता बंद है क्योंकि सोनापुर हो चुके और रोड जाम हो रहे थे क्योंकि चारों तरफ से। ये देख लो जी यहाँ होता सोनापुर और हम निकले अपनी बाइक पे और जाम लग चुका है वापस। देख सकते हो गाइस कितनी हालत ख़राब हो चुकी है फिलहाल बाइकों की, बहुत लोची हो चुका है यहाँ पर। गाइड एक फंस चुकी है ज़्यादा। लो जी फिलहाल पहुँच चुके हैं बाहर, हालत बहुत ख़राब हो गई लेकिन निकल गए और हालत इतना ग्रेट इज बैड, बहुत ज़्यादा समथिंग एंड यही तो होता है, ब्लैक आई स्लिप मारती भाई साहब, ब्लैक आइस ही तो है जो मेरी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाती है, बाकी कोई नहीं पहुंचा सकता। यही तो ठरका है, ठरका भाई का ठरका है, भाई का ठरका है। कितनी स्लिप हुई गाड़ी में जो हालत खराब हो गई, क्या हुआ लो जी गाइस अपनी बाइक निकल चुकी है फिलहाल आराम से स्लो मोशन में और बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा मेहनत हुई
स्टॉप टेंटू ना हो। चलो ऊपर फोटो खिंचाने के लिए, चलो ना। भाई अपनी स्प्लेंडर की हुआ हुआ हो रही है भाई अपनी स्प्लेंडर की हुआ हुआ हो रही है। फोटो के चलो फिर चलते हैं। अरे वे खींच फटाफट। क्या मौसम, एक और भाई एक और, एक और लास्ट लास्ट फोटो भाई लास्ट। थैंक यू। जी मैं हूँ मनाली हाईवे पर और तंगलाना कुछ पहाड़ है, पहाड़ है वहाँ पर पहुँच चुका हूँ फिलहाल। इसकी ऊंचाई दोस्तों 17,482 फीट पर है अभी हमें, और तंगलाना ये देख सकते हो तंगलाना ही पहाड़ है। और यहाँ का सबसे बड़ा लॉजिक हो चुका मेरे साथ में, क्योंकि सबसे हमने इतने पास कंप्लीट कर दिए, लेकिन इस पास पर आने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ी ना हमारे को भाई सब, कहीं पर मेहनत नहीं करनी पड़ी तो बहुत मेहनत हुई फिलहाल। और अपने बाइक ने भी बहुत अपनी अपना साथ दिया, थैंक यू भाई रानी, हमारी रानी को भी धन्यवाद। और फिलहाल अब निकलते हैं मनाली के लिए, और काफ़ी सफ़र अच्छा रहा।